तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th यानी कि HS सेकेंड ईयर ASEC बोर्ड की फाइनेंस बुक से सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट की ये 7 चैप्टर है जिसका नाम है द इंडियन मनी मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, बाकी सारे ही इसके पहले चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, चाहो तो आप लोग जो है ना जाके सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। साथ ही साथ इन चैप्टर्स के अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए कुछ छोटे से पेमेंट करके आप नोट्स भी ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सअप का भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मनी मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, इंडियन मनी मार्केट जो है वो दो सेक्टर्स में बटा हुआ है, एक तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो फिर उसके अंदर क्या क्या है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सबसे पहले हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप लोगों को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारे लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एपेक्स बैंक है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे देश में रिजर्व बैंक हमारे लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, और तब से RBI जो है ना इज़ द लीडर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। यानी इंडियन मनी मार्केट का लीडर कौन है? RBI। RBI ही सब चीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट शेड्यूल बैंक, यानी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या है, ठीक है? तो शेड्यूल बैंक्स, अब शेड्यूल बैंक्स क्या है? तो शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनके नामों को लिस्ट किया गया था सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। यानी कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंतर्गत बहुत सारे बैंकों का नाम लिया गया था, और किस बेसिस पे लिया गया था? उनके पेड अप कैपिटल और रिजर्व, जिनके भी नॉट लेस देन 5 लैक्स थे, तो उनको जो है ना शेड्यूल बैंक का एक दर्जी दिया गया था, ताकि जो है ना कामों को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जा सके। और जिनका नाम इनमें मेंशन नहीं है वो अनशेड्यूल बैंक है। देखो, दोनों में फ़र्क ये है, शेड्यूल बैंक के पास ना एक एडवांटेज होता है। एक तो है कि सरकार की तरफ से एक अच्छी तरीके से मान्यता प्राप्त होना, और दूसरी बात है जो भी RBI के पॉलिसीज़ है, चाहे वो रेपो रेट हो चाहे वो मार्जिन हो, उनका फ़ायदा उठा के जो ना वो पैसे के जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन अनशेड्यूल जो बैंक्स होते हैं उनको जो है ना मनी मार्केट में जाके ही पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर शेड्यूल बैंक को अगर हम लोग क्लासीफाई करना चाहें, तो सबसे पहले तो देखो कमर्शियल बैंक्स के बारे में जान लो। कमर्शियल बैंक मेन सप्लायर्स ऑफ फंड ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो सबसे बड़ा जो हमारा सप्लायर है वो है कमर्शियल बैंक ही। अब इस कमर्शियल बैंक को देखो तो ये भी आगे क्लासीफाइड है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक में हम लोग को सबसे पहले मिल जाएंगे शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, तो ये सब सारे जो है ना बैंक्स मिल जाएंगे आपको शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक। और उसके बाद अगर शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो, तो यहाँ पे एक्सिस, बंधन, फेडरल, फिर HDFC, ICICI, यस बैंक, IDBI, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट, इंडसलैंड, तो ये सब सारे आप लोगों को शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक मिल जाएंगे। उसके बाद हो गया रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक जैसे कि असम ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, तो इस तरीके के जितने भी रीजनल बैंक्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फॉरेन शेड्यूल बैंक के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? HSBC, फिर जाके बहुत सारे और भी कंट्रीज, जैसे कि हो गया नॉट कंट्री एक्चुअली में बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, डच बैंक, दोहा बैंक, और भी बहुत सारे यहाँ पे बैंक्स हैं। आप चाहो तो किन्हीं 4-5 जो ना नाम को आप लोग याद रख लेना। शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अंदर आता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और बाकी यहाँ पे नाम लिखे हुए आप लोग देख लेना। और शेड्यूल पेमेंट बैंक्स में आ जाएगा इंडिया का वो पेमेंट बैंक है ना, पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, फिर जाके PTM, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो ये सब क्या हो गया? हमारे शेड्यूल पेमेंट बैंक्स हो गए। अब नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में अगर जानना चाहो तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था क्या, जिनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया था सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत, ठीक है? इसकी खामी भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और डे बाय डे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ दिस बैंक जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है शेड्यूल बैंक बनना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कई फायदे जुड़े होते हैं बैंकों के लिए। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
जैसे कि अगर आप लोगों ने सारे हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो इन सब बैंकों के बारे में ना, डेवलपमेंट बैंकों के बारे में प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोग जो ना फिर भी डाउट रहता है तो उन वीडियोज़ को आप लोग एक बार पहले ज़रूर देख लेना। तो ये सब सारे जो है ये सब ऑल्सो ऑपरेट करते हैं इंडियन मनी मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्टली थ्रू बैंक्स। तो बैंक के द्वारा जो है ये लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा है डिस्काउंट एंड फाइनेंस फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था मार्च 9, 1988 को, ठीक है, 1988 को किया गया था। स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन इसको स्टेब्लिश किया गया था ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे, मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे और सेकेंडरी मार्केट जो है ना वो डेवलप हो। नेक्स्ट हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना ये सब सारे चीज़ें होंगे, किसी को कंट्रोल करने वाला एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, ना ही इसको प्रॉपरली कोई कंट्रोल करता है, ना ही इसके लिए कोई डायरेक्शन है अच्छे तरीके से। तो इनको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इंडिया में देखो, इंडियन मनी मार्केट में देखो तो यहाँ पे ना इंडिजिनस बैंक्स और मनी लेंडर्स ये दो मेन कंपोनेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। तो यहाँ पे देखोगे ना तो दिस सेक्टर अनऑर्गेनाइज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ना नॉट डायरेक्टली कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड बाय आरबीआई, यानी कि डायरेक्टली आरबीआई के अंडर ये लोग नहीं आते हैं। तो प्रॉब्लम यही हो जाता है, सबसे पहले जैसे इंडिजिनस बैंकर्स, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि बहुत पहले, अब तो नहीं लेकिन बहुत दिनों पहले की बात है, बहुत दिनों पहले मतलब क्या, आप लोग तो जब से जन्म लिए हो तब से आप लोगों को पता ही होगा कि सारे बैंक्स जो है ना आपके अगल बगल में स्टेब्लिश हो चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब बैंकों का पहुंच जो है ना गांव दूर दराज इलाकों तक नहीं होता था, तब भी उस समय भी लोग जो है ना पैसे की लेन देन किया करते थे। कुछ लोग पैसा जमा करते थे, कुछ लोग विड्रॉ करते थे, तो सब जो है ना किया करते थे। तो वो लोग कैसे किया करते थे, तो उनको करने के लिए ना तो ये सब सारी चीज़ें इंडिजिनस बैंकर्स के द्वारा होता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है ना तुम्हारा पैसा डिपॉजिट लेते थे, रिसीव करते थे और ज़रूरत पड़ने पे ना ये लोग लेंड भी करते थे। तो इन्हीं को जो है ना इंडिजिनस बैंकर कहा गया। ये लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे। जैसे मनी लेंडर्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखोगे मनी लेंडर्स का मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा ना लेते नहीं है, ये सब सिर्फ लेंड करते हैं। ये लोग सिर्फ पैसा क्या करते हैं, लैंड करते हैं, देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये लोग सूद पे यानी कि इंटरेस्ट पे सिर्फ पैसा लगाते हैं लेकिन प्रोफेशनली तरीके से नहीं। लेकिन ये इंडिजिनस बैंकर्स क्या होता है, एक टीम होता है, प्राइवेट फर्म्स की तरह होता है, ये लोग प्रोफेशनली पैसे को मेंटेन करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है, इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट्स क्या है। देखो अगर इफेक्टिवली अगर अच्छे तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को देश में अगर चलाना है तो एक वेल डेवलप मनी मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में यानी कि इंडियन मनी मार्केट जो है ना अभी तक उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें खामियां हैं। उन्हीं सारे खामियों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हो गया डिवीजन बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो डिवीजन हो गया है, दो सेक्टर्स के बीच में जो तालमेल नहीं है, उसके वजह से ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक डिफेक्ट तो ये हो गया हमारा, इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन और कोई भी मतलब समानता है ही नहीं, कोऑपरेशन भी नहीं है। और इसके वजह से ना आरबीआई को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम आता है ताकि इनके बीच में ना संतुलन बनाए रखा जा सके। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होना भी अच्छी बात नहीं है एक तरीके से, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने से क्या होता है, मनी मार्केट में ना बहुत सारे खामी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इंडिजिनस बैंकर और मनी लेंडर्स ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि दूर दराज यानी कि रूरल एरियाज़ में जाके लोगों को एक्सप्लॉयट करना, हाई रेटों पे इंटरेस्ट पे पैसे देना, कर्ज के जाल में यानी कि डेब्ट के जाल में जो है ना बोरोअर्स को फंसा देना किसी भी तरीके से। आरबीआई कोशिश कर रहा है ताकि इसको इस इशू को ना जल्द से जल्द काबू किया जा सके। नेक्स्ट है अनहेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसको कहा गया है एक अनहेल्दी कंपटीशन। अगर अच्छा कंपटीशन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जनता को एक अच्छा अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ना लोन या फिर किसी भी तरीके से सहूलियत मिलती है। लेकिन अगर कंपटीशन ही ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो बैंकिंग फैसिलिटी जैसे हमारा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसके हिसाब से हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि हर किसी के घर के आसपास अब बैंक हो चुका है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो आज भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से बैंक जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारा बैंक्स और बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ यानी कि मनी और भी उसके से रिलेटेड सारी चीज़ें। शॉर्टेज ऑफ फंड,
शॉर्टेज ऑफ फंड यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फंड है मनी मार्केट में, वो फैक्टर वेरी कर सकता है ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशन। सबसे पहला तो है लो सेविंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे यहाँ पे लोगों के लो सेविंग कैपेसिटी की वजह से तुम्हारा शॉर्टेज ऑफ फंड पहला बात है। दूसरा है हमारा इनएडिकुएट बैंकिंग फैसिलिटीज़। इनएडिकुएट बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। ज़्यादातर देखोगे तो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरिया में फिर भी ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में अभी तक उस तरीके की सिचुएशंस नहीं आई है। और थर्ड है हमारा अंडर डेवलपमेंट बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल। लोगों के अंदर जो ना अभी तक बैंकिंग हैबिट्स ही डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत लोग हैं आज भी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो फटाफट जो ना वो शॉर्ट सेविंग को जो ना डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग हैं जिनके घर से बैंक दूर है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते। तो ये सब प्रॉब्लम्स है आज भी, जिसके वजह से ना ये सब सारे चीज़ें होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेरिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिस्पेरिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मनी मार्केट सफर करता है डिस्पेरिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्यों होता है, सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट्स है ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स उसके वजह से, द लेंडिंग रेट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो लेंडिंग रेट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के उसके वजह से भी, और तीसरा है बोरोइंग रेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिस रेट से बोरो करता है वो भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। डिस्पेरिटीज इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट। और नेक्स्ट है हमारा सीजनल फ्लक्चुएशन। तो कई बार क्या होता है, सीजन के हिसाब से भी मनी मार्केट के ऊपर, इंडियन मनी मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। कुछ कुछ सीजन ऐसा है जहां पे एक्सेस डिमांड होता है, और कुछ कुछ सीजन ऐसा होता है जहां पे डिमांड बिल्कुल भी घट जाता है। तो अगर सेविंग यानी कि डिपॉजिट और लोन, यानी कि पैसा लेने और देने में दोनों में अगर इक्विबिलियम, अगर समानता ना हो डिमांड और सप्लाई, तो फिर प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि नवंबर से लेकर जून के बीच में एक्सेस डिमांड होता है फंड और क्रेडिट के लिए, ताकि जो है ना हार्वेस्टिंग किया जा सके और मार्केटिंग ऑपरेशन किया जा सके एग्रीकल्चर में। और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वहाँ पर डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्रेडिट का फैसिलिटी क्या हो जाता है, वो डिमांड डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड बिल मार्केट। हमारे यहाँ पे एक अच्छी बिल मार्केट हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। और लास्ट है हमारा लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है ना हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब हमारे पास है, लेकिन और भी अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होना ज़रूरी है। जो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द इंडियन जो फाइनेंशियल सॉरी मनी मार्केट है, वो कौन से हैं इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला तो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कर्ल मनी, सबके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या है ये। सबसे पहली बात तो हम लोग ट्रेजरी बिल के बारे में बात करेंगे कि ट्रेजरी बिल है क्या। तो ये तो मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारे मनी मार्केट का। ट्रेजरी बिल का मतलब ये होता है, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इशू तो आरबीआई करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे, सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे इशू करता है। तो सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे इशू करता है, ये एक तरीके से ना हमारा ट्रेजरी बिल इशूड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे इशू करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, ट्रेजरी बिल जो है ना इशू किया जाता है फॉर द मीटिंग टेम्प्रोरी जो गवर्नमेंट के डेफिसिट आ जाते हैं, यानी कि पैसे की जब जरूरत पड़ जाती है तो उस समय आरबीआई को बोला जाता है, आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है, उसके बदले में पैसा मिलता है, सरकार पैसा वो सब रख लेती है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, और ये ज़्यादातर एक साल से कम के पीरियड के लिए होता है। जो ट्रेजरी बिल है वो प्योरली फाइनेंस बिल है, वो प्योरली क्या है, फाइनेंस बिल है। इट डज नॉट अराइजेस आउट ऑफ एनी ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो इसमें कोई भी ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रेजरी बिल्स है, एक तो हमारा है ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर ट्रेजरी बिल, और दूसरा है एडहॉक ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग एडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल देखते हैं। तो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल किसको इशू किया जाता है, इशू किया जाता है पब्लिक्स को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, है ना। दिस आर इशूड फॉर द मीटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए किसको किसको इशू किया जाता है, पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू किया जाता है। यहाँ पे इस ट्रेजरी बिल्स को फ्रीली जो ना मार्केटेबल है, यानी कि फ्रीली आप चाहो तो बेच वगैरह सकते हो। ये दिस बिल्स कैन बी परचेस एंड सोल्ड एट एनी टाइम, कभी भी हम लोग किसी इसको परचेस और सेल कर सकते हैं ना। इसको हम लोग जो ना सेकेंडरी मार्केट में भी ले जा सकते हैं। और जो एडहॉक्स ट्रेजरी बिल है, ये एक्चुअली में ऑलवेज इशूड इन फेवर ऑफ आरबीआई, तो ये हमेशा आरबीआई के फेवर में ही इशू किया जाता है ट्रेजरी बिल्स। ये जो ट्रेजरी बिल्स है परचेस बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा परचेस किया जाता है, और आरबीआई इसके बदले पे करेंसी नोट क्या करता है, उसके बिजनेस में इशू कर देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ना इसके द्वारा फंड रेज कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर तीन भागों में बांटा गया है, एक 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल, 182 डेज के लिए ट्रेजरी बिल, और 364 डेज के लिए ट्रेजरी बिल, यानी कि एक साल के कम के लिए ही ये होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल बिल। तो कॉमर्शियल बिल क्या है,
देखो आसान भाषा में अगर समझाओ तो कमर्शियल बिल का मतलब क्या है, कभी भी अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में, यानी कि उधार में हम लोग अगर गुड्स परचेस करते हैं, तो सेलर क्या करता है, एक बिल ड्रॉ कर देता है और बायर जो है ना उसके ऊपर साइन करके वापस दोबारा सेलर को दे देता है, और उसमें ये मेंशन होता है कि सच एंड सच डेट पे इस बिल को वो वापस ले लेगा पैसे दे के। इसी को कहते हैं कॉमर्शियल बिल। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस पॉइंट समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। नेक्स्ट जो हमारा कॉमर्शियल बिल है, वो अलग अलग तरीके का कॉमर्शियल बिल होगा, डिमांड बिल, क्लीन बिल, इनलैंड बिल, एक्सपोर्ट बिल, एकोमोडेशन बिल और इंडिजिनस बिल, जिसे हम लोग हुंडी भी कहते हैं। कॉमर्शियल पेपर नेक्स्ट है। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा, और ये एलिजिबल है रेपुटेड, ये इशू किया जाता है एलिजिबल रेपुटेड कॉर्पोरेट्स द्वारा, यानी कि ये कॉर्पोरेट्स द्वारा इशू किया जाता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन ये कॉर्पोरेट्स द्वारा इशू किया जाता है, ताकि उनके जो है ना वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। एक्चुअली ये कॉमर्शियल पेपर जो होता है ना, वो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा शंक, मतलब मन में जो है ना डाउट हमेशा बना रहता है कि पैसा जो है ना कहीं डूब तो ना जाए। दिस कंपनीज द इशूइंग कंपनीज नॉर्मली कैन बाई बैक, कई बार क्या होता है कंपनी जो है ना ये वापस बाई बैक कर सकता है कॉमर्शियल पेपर्स को, अगर उनको वापस उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो पैसा दे के वापस से दोबारा कॉमर्शियल पेपर को खरीद लेते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, कॉमर्शियल पेपर जो है ना कैन बी इशूड बाई प्राइमरी डीलर्स के द्वारा भी इशू किया जा सकता है। देखो कॉमर्शियल पेपर जो होता है ना वो इशू किया जाता है इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स और अदर रजिस्टर्ड जो इंडियन कॉर्पोरेट बॉडीज़ है या फिर इन अन इनकॉर्पोरेट बॉडीज़ है, उनको जो है ना इशू कैन बी इशूड टू, उनको इशू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है, इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। अगर आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करते हो तो उसके बदले पे एक रिसिप्ट मिलता है, उसी रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को हमेशा इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे ही इशू किया जा सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म हमारा इंस्ट्रूमेंट है, डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको इशू करके ना रेज किया जा सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी क्या है, एक तरीके से अनसिक्योर्ड ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ये कॉमर्शियल पेपर के बारे में जो अनसिक्योर्ड था, इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, अनसिक्योर्ड ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाई कौन इशू कर सकता है, तो इसको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRBs लोकल एरिया बैंक्स, यानी कि छोड़ के एक्सक्लूडिंग है ना, यानी कि कॉमर्शियल जो शेड्यूल बैंक है वो कर सकते हैं। सेलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो परमिटेड बाई RBI, ये भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड टू किसको इशू किया जा सकता है, इंडिविजुअल, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, ट्रस्ट, फंड्स, एसोसिएशंस को इशू किया जा सकता है। फिर कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी क्या है, तो ये भी एक सेगमेंट ही है। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड के बारे में ही बात हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये लोन जो है ना आर रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी डिमांड होगा तो वापस से दोबारा रीपेबल हो जाना चाहिए, यानी कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, आइदर मे बी एक से लेकर 14 दिन के बीच के लिए, तो जब भी मैं डिमांड करूँगा तो वापस जो है तो जो मेरा पैसा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो इसका मैच्योरिटी डेट 1 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है, यानी कि 14th नाइट तक हो सकता है। अगर ये मनी अगर उसको 1 दिन के लिए अगर बोरो किया जाता है तो उसको हम लोग ओवरनाइट मनी भी कहते हैं, और जब इस मनी को हम लोग बोरो लैंड या फिर बोरो करते हैं मोर देन 1 ईयर और अप टू 14 डेज, तो हम लोग इसको नोटिस मनी कहते हैं। यहाँ पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कॉल मनी मार्केट जो है ना वो हाईली लिक्विड लिक्विड मार्केट होता है यहाँ पे, लेकिन ये एक्सट्रीमली रिस्की और वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गया, या फिर फॉरेन बैंक्स हो गए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये हो गया डिस्काउंट, तो ये सब हो गए। लास्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे, लेंडर्स और बोरोवर्स कौन है इंडियन मनी मार्केट के, तो लेंडर्स एंड बोरोवर्स, तो सबसे पहला तो लेंडर्स और बोरोवर्स कौन है, तो RBI ही सबसे बड़ा लेंडर है मनी मार्केट का, एंड एज सच ये कंट्रोल करते हैं सारे मनी मार्केट एक्टिविटीज़ को। तो लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स और बोरोवर्स यहाँ पे डील करते हैं इंडियन फाइनेंशियल इंडियन मनी मार्केट में। तो लेंडर जो हो गया वो हमारा एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक्स जिसमें शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल आ जाएंगे, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, फिर जाके रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SFCS, NABARD, LICI, GICI एक्सेट्रा, डिस्काउंट या फिर फाइनेंस हाउस। और नेक्स्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लेंडर्स, ये ऊपर हम लोगों ने बात किया ही है। और बोरोअर्स कौन है मनी मार्केट का, तो इंडियन मनी मार्केट का बोरोवर्स है सबसे पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ हो गए, विलेज पंचायत हो गया, ट्रेडर्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, फार्मर्स हो गए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स और जनरल पब्लिक हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, शेयर कीजिएगा, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सके तो कॉमेंट कीजिएगा। और इस बुक की अगर आपको नोट्स चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके आप ले सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके ये नोट्स भेजो ना, ये नोट्स क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे इंपॉर्टेंट वो आप लोग ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।